हो गया इस टाइप के आपको सारे यहाँ पर मॉडल मिल जाते हैं। और उसके अलावा ये देखेंगे सारे जो है टेस्ट होने के बाद अभी इनको पैक होना है। पैकिंग की बात करें तो यहाँ पर बेस में हम लोग डील करते हैं। बेसिकली हमारा काम ये है कि गाड़ियों वाली बेस का फील जो आपको घरों के अंदर करवाना है। यकीन मानिए तो ये अफीम है जो लोगों को लगी हुई है, मतलब जिसके पीछे लोग बोलते हैं कि इसका डबल भी इंतजार करना पड़ता तो भी मैं करता। छोटा सा एकदम सिस्टम है, इसके अंदर साउंड बेस बहुत ही प्यारा है। ये आपको मात्र 2600 रुपए के अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ ये आप देखेंगे तो नेकलाइट मॉडल आपको 2000 रुपए के अंदर मिलता है, 7294 आईसी के अंदर मिलता है। ये रोलिंग बेस के अंदर है, वही गाड़ियों वाली फील, गाड़ियों वाली बेस हम आपको घरों के अंदर देते हैं, जिससे कि ये छोटा सिस्टम भी आपके घर के शीशे खिड़कियां वगैरह सब हिला देता है। सिस्टम में आप एक खास बात देखना कि जो हीरा सीरीज होगी वो टोटल वुडन के अंदर बनी होगी। इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा जो है प्लास्टिक का पैनल का बिल्कुल कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर बेस बहुत ज्यादा होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सबसे के जाने चैनल। एक बार फिर से हम आ चुके हैं फ्लो बीट्स पर, जहां पर आपको टावर स्पीकर मिल जाएंगे काफी अच्छी प्राइस रेंज में, और क्वालिटी के लिए तो भैया वैसे ही फेमस है। तो काफी सारी रेंज आपको मिल जाएगी, जैसा आपको चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। हर प्राइस रेंज का प्राइस रेंज स्टार्ट होने वाले सिर्फ 499 से, और एंडिंग प्राइस जाने वाला है 18,500। तो हमारे साथ जुड़ चुके भैया। भैया क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? भैया बढ़िया, मैं ये नया सेटअप लगवा लिया आपने? जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ, तो लोकेशन भी चेंज हो गई होगी अब? जी हाँ, लोकेशन हमारी जो है वहाँ से 300 मीटर आगे आ गई है। अब केशवपुर सब्जी मंडी के फ्रंट पे हैं हम लोग। एड्रेस बता दूँ आपको, RZ87 रवि नगर एक्सटेंशन, गली नंबर 4 है। केशवपुर सब्जी मंडी हमारा लैंडमार्क पड़ता है, गेट नंबर 1। सेकेंड लैंडमार्क हमारा पार्क हॉस्पिटल पड़ता है। बाकी मेट्रो स्टेशन है हमारा सुभाष नगर, नियरेस्ट ब्लू लाइन, वहाँ से आप लोग रिक्शा करके आ सकते हैं पार्क हॉस्पिटल का नाम लेके, बाकी वहाँ से आप यहाँ मेरे यहाँ पहुँच जाइए। तो तकरीबन नॉर्मली है सब कुछ, और उसके अलावा आप गूगल मैप के ऊपर फ्लो बीट सर्च करेंगे सीधा मेरी इसी लोकेशन पे आपको आ जाएंगे। और इंट्रोडक्शन के तो मोहताज है नहीं भैया, आप इंस्टाग्राम पर जाके सर्च मार सकते हैं फ्लो बीट्स, वहाँ पर आपको वीडियोस वगैरह भी मिल जाएगी। इनका प्रॉपर पेज है, उनमें सारे प्रोडक्ट लिस्टेड भी होंगे वहाँ पर। जी हाँ, है ना, विद वीडियो, और वहाँ पर रिव्यू आपको मिलेंगे ओरिजिनल, जो कस्टमर्स ने खरीदा है वो रिव्यू कैसे दे रहे हैं आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। राइट, तो भैया वेटिंग पीरियड क्या चल रहा है आजकल? हीरा 3 प्रो की बात करें तो 40 डेज चल रहा है अभी भी, 40 डेज हुआ। जी हाँ बिल्कुल, और उसके अलावा हीरा 3 बना दिया दोबारा, तो ये आपको ऑन स्पॉट मिल जाएगा। बट अब मुझे पता है इस वीडियो के बाद फिर ये लोग इतना ज़्यादा ऑर्डर कर देंगे, ये भी वेटिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके से हीरा सीरीज तो मेरी मोस्ट डिमांडिंग है, क्योंकि रोलिंग बेस में हम लोग डील करते हैं। बेसिकली हमारा काम ये है कि गाड़ियों वाली बेस का फील जो आपको घरों के अंदर करवाना, और आज आपको डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग भी मैं यहाँ पर दूंगा, जिससे कि आप समझ पाए कि हम लोग प्रोडक्ट जो है उसको कैसे बनाते हैं, और क्या उसकी कैलिब्रेशन होती है, और क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस रहता है, जिससे कि आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर सिस्टम लेने का, जैसे कि अभी आपने देखा कि नागपुर से भी आए हुए हैं कस्टमर। तो ये मेरा काम का तरीका है, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर चेकिंग करके भी लेके जाते हैं। अगर आप विजिट करके ले जा रहे हो, आप यहाँ पर चेकिंग करके भी लेके जा सकते हैं, साउंड कैसा है, कैसी क्वालिटी है, इंडोर आउटडोर। बाकी यहाँ पे साउंड प्रूफ भैया ने सेटअप लगा रखा है जी, और बाहर भी आपको चेकिंग करवा देंगे। Right. सबसे ज्यादा वेटिंग हो रही है हीरा 3 प्रो की, 3 प्रो की, क्योंकि मैं साल में सिर्फ एक ही मॉडल निकालता हूँ, बट वो ऐसा होता है कि जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। यकीन मानिए तो ये अफीम है जो लोगों को लगी हुई है, मतलब जिसके पीछे लोग बोलते हैं कि इसका डबल भी इंतजार करना पड़ता तो भी मैं करता। तो इसकी खूबियां आपको बताएंगे, सबसे पहले हम छोटे से शुरुआत करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटिंग इसी की चल रही है, बाकी अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहे उसमें तो वेटिंग का इतना सीन नहीं होगा? नहीं है, किसी पे भी नहीं है, बाकी सब आपको ऑन स्पॉट मिल जाते हैं। सिर्फ एक हीरा 3 प्रो ही है जो आपको वेटिंग में, बाकी सब 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ से आके विजिट करके लेना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो चलिए प्राइस रेंज स्टार्ट करते हैं फिर,
कहाँ से स्टार्टिंग है सर? एक तो सबसे पहले आपको प्राइस बता देते हैं, उसके बाद जो है आपको मॉडल दिखाएंगे, कुछ सुनवाएंगे और साउंड के सिग्नेचर्स भी आपको बताएंगे। 499 का आपको ये मिल जाएगा मॉडल, जिसके अंदर ये मल्टीमीडिया स्पीकर है, 3 इंच का ड्राइवर है और इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 से 2.5 घंटे रहता है। मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ये आप देखेंगे ये बैटरी वाला है, जी हाँ, ये भी मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये वाला। इसके अंदर रिंग लाइट है और 4 इंची ड्राइवर लगा हुआ है इसके अंदर। बहुत प्यारा मॉडल है, साथ में आपको माइक भी मिलता है वायर वाला, रिंग वन मॉडल के नाम से जाना जाता है। मेरी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा इसका ये। प्राइसिंग क्या है? इसका प्राइस 1600 रुपये रहने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे डबल टावर आपको मिल जाते हैं इस प्रकार के, ये बिजली से चलने वाले हैं। इसके साथ आपको जो है ब्लूटूथ भी मिलता है इसके अंदर, और साथ ही इसमें आपको ऑक्स केबल मिलती है। दोनों ये छोटे छोटे टावर रहने वाले हैं, आप टीवी से, एलईडी टीवी से, लैपटॉप से, अपने सिस्टम से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप चला सकते हैं। इसके अंदर बेस भी आपको अच्छा मिल जाता है, बहुत हैवी नहीं है पर बढ़िया बेस है। ये आपको रिंग 2 मॉडल मिल जाता है, ये आपको मात्र 2000 रुपये के अंदर मिल जाता है मेरी वेबसाइट से। और इसके अंदर भी आपको ये 2 ड्राइवर मिलते हैं, यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो 3-3 इंच के 2 ड्राइवर है यहाँ पर, और साथ ही साथ जो है दोनों में आपको रिंग लाइट मॉडल है, और फीचर्स के साथ ये पूरा लेस है, ये सिस्टम आपको मिल जाता है, कहीं पर भी आप इसको मंगवा सकते हैं। मेरी वेबसाइट में ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे टावर स्पीकर्स की। टावर स्पीकर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये जो है बूम बॉक्स है आपको मिल जाएगा, इसके अंदर 3 इंच मिड रेंज जो 3 इंच ट्यूटर है, इसके अंदर 5.5 इंच बूफर लगा, ये बूम बॉक्स है, बहुत छोटा सा एकदम सिस्टम है। इसके अंदर साउंड बेस बहुत ही प्यारा है, ये आपको मात्र 2600 रुपये के अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ ये आप देखेंगे तो नेक लाइट मॉडल आपको 2000 रुपये के अंदर मिलता है, इसके अंदर 3-3 इंच के 2 ड्राइवर, 5.5 इंची सबवूफर और RGB लाइट्स के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ है ये ऑप्शन, और माइक सपोर्ट भी है, कैरियोके सिंगिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बेस का कंट्रोल मिलता है, ट्रबल कंट्रोल ऑटो रहता है, 24 इंच हाइट के अंदर है, ये आपको 2000 रुपये का मिल जाता है। 2000 रुपये, जी हाँ। इसके बाद एक और मॉडल हमारा ये अल्ट्रा डीप बेस के अंदर ये रहने वाला है, लोअर फ्रिक्वेंसीज की बहुत ही बढ़िया। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अल्ट्रा डीप लोअर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वीडियो में बने रही है। 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची ट्यूटर, 8 इंची सबवूफर के साथ, 28 इंच हाइट के अंदर, शैंपेन कलर के अंदर, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है मात्र 3800 रुपये के अंदर। इसके बाद डबल टावर में हम लोग सिंगल टावर में आपको और दिखाता हूँ, 015 मॉडल, 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची ट्यूटर, 8 इंची सबवूफर, 7265 के अंदर मिलता था, ये डीप बेस के अंदर है। लाउडनेस के अंदर बहुत बढ़िया है, ये सॉफ्ट वालों के लिए नहीं है जिनको लाउड चाहिए उनके लिए, और 017 भी उन्हीं के लिए सेम है। लाइट्स भी इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, ये 3000 का आपको मिलता है, ये 3300 का मिल जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ सिंगल टावर की, डबल टावर की रेंज में आए थे, डबल टावर पंच बेस के अंदर आपको 31 मॉडल मिलता है, जिसके अंदर 8 इंची दोनों साइड पर बूफर है, 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची ट्यूटर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉल्यूम का कंट्रोल ही है, एनकॉर्डर रहने वाला, यहाँ प्रेस करेंगे तो बेस, यहीं से प्रेस करेंगे तो ट्रबल, 28 इंच हाइट के अंदर ये भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ आप आएंगे तो लिटल बॉय मॉडल जो है 4 इंची फुल रेंज के स्पीकर, वहीं साइड में आपको 8 इंची बूफर मिल जाता है, 7294 डबल IC के अंदर ये सिस्टम रहने वाला है। और हाइट की बात करें तो 18 इंच इसकी हाइट रहने वाली है, बहुत क्रिस्प साउंड है इसका। LED TV से कनेक्ट करेंगे तो बहुत छोटे छोटे टावर है साइड में रखे, बहुत अच्छे लगेंगे, मात्र 5500 रुपये इसका प्राइस रहने वाला है। 5500, जी हाँ। अब बात करते हैं हम आगे अपने बड़े टावर की तरफ। अगर आप बड़े टावर में जाते हैं, जैसे आपके घरों में शादी पार्टियां हैं, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट, क्लब या जिम के लिए सिस्टम चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे सिस्टम मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे पास कुछ ऐसी वैरायटी भी है कि जब यहाँ चलेगा और दूर जाके सुनेंगे तो बेस और ज़्यादा उसका बढ़ जाएगा, जैसे कि हमारी हीरा सीरीज। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फैटमैन मॉडल, 10-10 इंची 4 सबवूफर के अंदर, वहीं 4-4 इंच के 2 मिड रेंज, 4-4 इंच के 2 ट्विटर, मॉस्फेट सर्किट के अंदर ये मिल जाता है, 38 इंच हाइट के अंदर, फ्रंट इसका वुडन कंट्रोल रहने वाला, वुडन का रहने वाला है। और वहीं यहाँ इसकी बात करें वुडन की थिकनेस की, तो वो आपको जो है 12mm के अंदर मिल जाती है, ये आपको मात्र 10000 रुपये के अंदर मिलता है। तो वहीं पर जो है आगे RDX10 मॉडल जो 7294 डबल IC के अंदर है, 400 RMS वॉट के अंदर ही रहता है, 10-10 इंची 2 वूफर यहाँ, 10-10 इंची 2 वूफर यहाँ पर, 4-4 इंच के 2 मिड रेंज, 4-4 इंच के 2 ट्यूटर, और फ्रंट में पूरी डिस्प्ले एक ही आपको, ये RDX10 Pro मॉडल है, इसके अंदर कोडलेस माइक भी मिलता है, मात्र 10500 रुपये के अंदर आपको सिस्टम मिल जाता है। यहाँ आपको एनकॉर्डर देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम अप डाउन, और ये इसको प्रेस करेंगे तो बेस, इसी को प्रेस करेंगे तो ट्रबल, और ये रिमोट कंट्रोल के साथ है। आउटडोर में इसके वोकल्स बहुत बढ़िया, क्योंकि वोकल्स हाई हैं, तो अगर आप इसको आउटडोर में यूज़ करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आवाज़ की कम हो गई है, बल्कि बढ़िया ही चलेगा आउटडोर के लिए, बड़े बड़े एरिया के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है RDX10 मॉडल। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अपनी हीरा सीरीज की तरफ। हीरा सीरीज में आप जाएंगे तो स्मॉल हीरा, यहाँ पर देखिए एक बार मैं बताऊँगा, क्लोजअप में दिखा दीजिए, यहाँ पर मैंने स्किन चेंज कर दी है इसकी, और वहीं 4 इंची 2 मिड रेंज, 4 इंची 2 ट्विटर, फ्रंट के अंदर आपको एयर वेंटिलेशन मिल जाता है, 7294 IC के अंदर मिलता है, ये रोलिंग बेस के अंदर है, वही गाड़ियों वाली फील, गाड़ियों वाली बेस हम आपको घरों के अंदर देते हैं, जिससे कि ये छोटा सिस्टम भी आपके घर के शीशे, खिड़कियाँ वगैरह सब हिला देता है। इसके टेस्टिंग भी मैंने डाली हुई है यूट्यूब के अंदर, और यहाँ आपको 8-8 इंच के 2 सबवूफर मिलते हैं, 90 मैग्नेट के अंदर, 100
80 RMS वॉट के अंदर ये आपको सिस्टम मिल जाता है। तो वहीं 24 इंच हाइट है, रिमोट के साथ है, टीवी से कनेक्ट करने के लिए ऑक्स ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। डिस्प्ले आपको फ्रंट में रहने वाली है, पेन ड्राइव भी आप फ्रंट में लगा सकते हैं। प्राइस मात्र 5500 रहा है, वैसे 5700 हो चुका है, बट ये जनवरी आपको ऑफर है, तो 200 रुपये आपको ये कम ही मिलेगा, यानी 5500 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा। इसके बाद 500 से लेके 18,500 की रेंज है, वो भी हर प्राइस रेंज में, हर प्राइस में, हर क्वालिटी में, हर वैरायटी में। सबसे बड़ी बात के मेरे यहाँ पर आपको सिग्नेचर साउंड के सिग्नेचर समझाए जाते हैं, जो कि आपको कहीं नहीं बताया जाता। 1500, 2000, 2500, 2500 सारी रेंज के इधर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ प्राइस रेंज मैंने आपको दे दिए हैं, कुछ फिगर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं कि यहाँ इस प्राइस के अंदर ये आर्टिकल प्रोडक्ट ये रहने वाले हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी हीरा सीरीज़ की तरफ। स्मॉल हीरा से सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। स्मॉल हीरा आप सामने देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको 4 इंची 2 मीटर एंड 4 इंची ट्यूटर। अब ये इसका बेस ऐसा क्यों मिलता है आपको, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बेस से डील की जाती है, आपको जो बेस कहीं नहीं मिलती वो फ्लो बीट्स में मिलती है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी सर्किट के अंदर एक्सपर्टीज़ है, हम जो है गाड़ियों वाले सर्किट डिज़ाइन करके जो है टू वे चैनल के सर्किट हम लोग बनाते हैं और यहाँ इनके अंदर लगाते हैं। इसके अंदर वो आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए ये टू चैनल एम्प जो है सर्किट जो है यहाँ डिज़ाइन किया गया। जैसे ये देखिए सबवूफर की वायर अलग और यहाँ पर जो है स्पीकर की वायर अलग लगाई जाती है, जिससे कि टू वे चैनल जो है इसका सर्किट डिज़ाइन होकर इसको जो है बेस इसके अंदर अच्छा प्रोड्यूस करता है। वहीं यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी के साथ साथ पूरी डीप नॉलेज भी दी जाएगी। जी हाँ, वहीं पर आपको यहाँ पर बेस ट्रबल भी कंट्रोल मिलता है, क्योंकि बेस कईयों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इतना बेस हमें नहीं चाहिए, तो वो अपना बेस कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छी सुरीली आवाज़ का मज़ा भी ले सकते हैं, क्रिस्प साउंड रहने वाला इसके अंदर। तो चलिए एक बार इसको प्ले कर देते हैं, उसके बाद आपको और इसकी डीप नॉलेज देंगे हम। तो यहां आपने देखा कि आपको वाइब्रेशन का पूरा फील होता है, साथ ही साथ जो है इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी में आपको एक बार टेस्ट कराना चाहता हूँ स्लो वॉल्यूम के अंदर सुना के, कि बेस इसके अंदर स्लो वॉल्यूम में कैसा रहेगा। ये कौन सा मॉडल है? ये स्मॉल हीरा है, अभी स्मॉल हीरा है, इसका हीरा वन भी है, हीरा टू। स्मॉल हीरा का ये असर है, और जब बड़े चलेंगे तो क्या होगा। जी हाँ, तो एक बार इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हैं, कि नहीं स्लो वॉल्यूम में इसका बेस टेस्ट करते हैं हम लोग। तो ये स्मॉल हीरा का ये अभी कमाल है। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप अपने 15-15, 20-20 हज़ार के सिस्टम को कंपेयर कीजिए हमारे स्मॉल हीरा से। अभी हीरा 2, 1, 3, 3 प्रो अभी साइड में पड़े हुए हैं, जायंट सिस्टम के, जिनके आगे कोई नहीं टिकता। और हीरा 3 प्रो तो अब मानो अफीम है, जैसे के लोगों को 60-60 दिन वेट करके भी उनको यही मॉडल चाहिए और कोई मॉडल नहीं चाहिए। तो प्राइस मैंने आपको बता दिया, स्मॉल हीरा भी बस यही इसी चीज़ की होती है जी, बट क्या करें बटन इतना है और मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ। अगर मेरे को किसी से लेके बेचना हो तो यकीन मानिए आपको सेम डे भी मैं डिलीवर कर दूँ, भी दिखाएंगे आज के वीडियो जी हाँ। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने हीरा 2 की। हीरा 2 में अगर आप जाएंगे तो 4-4 इंच के 2 मीटर, 4-4 इंच के 2 ट्विटर और 10-10 इंची 2 सबवूफर मिल जाते हैं 120 मैग्नेट के अंदर। मेरे सिस्टम में आप एक खास बात देखना कि जो हीरा सीरीज होगी वो टोटल वुडन के अंदर बनी होगी। इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा जो है प्लास्टिक का पैनल का बिल्कुल कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर बेस बहुत ज़्यादा होती है, इनकी पेस्टिंग का भी मेरे को ख्याल रखना पड़ता है। डबल लेयर पेस्टिंग मैं करवाता हूँ अंदर जो वुडन होती है उसके अंदर, क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा है तो कहीं कुछ डिस्टॉर्शन ना हो, वाइब्रेशन ना हो, ये मेरे को ख्याल रखना पड़ता है इसके अंदर। और यहाँ बात करें तो 12mm कैबिनेट की थिकनेस है और 7294 IC के अंदर ये सिस्टम आपको मिलता है। यकीन मानिए हीरा 2 भी अपने टाइम के अंदर 25 दिन की वेटिंग के अंदर चला है ये सिस्टम, और आज भी लोग इसको बहुत प्यार करते हैं। इसी की बदौलत हीरा 3 आया, लोगों की डिमांड के ऊपर आया आपकी। तो एक बार मैं हीरा 2 चला देता हूँ, एक बार आप इसको टेस्ट कीजिए। इसका प्राइस है मेरे पास जी, इसकी वेटिंग कम कराने का। कैसे? 4 लेके आ जाओ। 4 फिर 4 की वेटिंग बढ़ जाएगी।
हीरा 2 का बेस और हीरा 2 का साउंड था, खाली बेस की बात नहीं होती यहाँ पर, बेस के साथ साथ आपको जो है वोकल्स और जो उसके मिड है यानी उसके बीट्स हैं उसका भी खास ख्याल रखा जाता है। मैं सारी चीज़ों का जो है एक कैलिब्रेशन करके फिर आप तक एक प्रोडक्ट पहुंचाता हूं। जैसे जो है बेस तो हाई होना ही चाहिए, वाइब्रेशन जो है गाड़ियों वाली फील भी आनी चाहिए रोलिंग बेस, उसी के साथ साथ वोकल भी उसके जो है प्रॉपर होने चाहिए और बीट्स भी है उसकी क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान रख के प्रोडक्ट को निकालते हैं आपके लिए बनाते हैं। यहाँ पर हीरा 2 की बात करें तो आपको मात्र 8200 रुपये, 8200 रुपये का आपको मिल जाता है और हम इंडिया का हर कोना कवर कर रहे हैं, 21000 पिन कोड हम लोग कवर कर चुके हैं। और आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है अपनी पेमेंट करके अपने बैंक के थ्रू ईएमआईज भी बनवा सकते हैं, ये भी ऑप्शन जो है हमारे पास अवेलेबल है। और यकीन मानिए कहीं पर भी बैठे बैठे आप ये काम कर सकते हैं, आपको कार्ड हमारे पास लाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ही आपको जो है लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये मतलब तो हो गई ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी, ऑल ओवर इंडिया में आपको पैकिंग भी दिखाऊंगा अपनी कि प्रोफेशनली तरीके से हम लोग काम करते हैं। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, एक प्रोडक्ट को बनाना, बनाकर उसको मार्केटिंग करके आप तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा टास्क है। अभी तक कोई इंडिया के अंदर ऐसी कंपनी, बड़े से बड़ा ब्रांड नहीं कर रहा, सब जो है वाइट लेबलिंग करते हैं, जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो, बट फ्लो बीट्स एक ऐसी कंपनी है जो जीरो से लेके एंड तक खुद ये सब कुछ कर रही है। मुझे बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है इन चीज़ों के ऊपर, पर मैं करता हूँ, फिर भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ भी ये करते करते ही चीज़ें सॉल्व होंगी, बट आप लोगों की सपोर्ट है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे हीरा 3 मॉडल की। तो दोस्तों अब बात करते हैं हीरा 3 मॉडल की। हीरा 3 मॉडल यहाँ देख पा रहे हैं पूरा लेदर फिनिश के अंदर डबल टावर आपको मिल जाता है जो फुली ब्लैक के अंदर है, और टोटल इसके अंदर जो है वुडन का यूज़ हुआ है, प्लास्टिक का यूज़ कहीं भी नहीं हुआ, सिर्फ रिंग्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप वुडन की थिकनेस की बात करेंगे तो 39mm मिल जाती है, तो साथ ही साथ 5-5 इंच के 2 मिड रेंज आपको मिलते हैं, 4-4 इंच के 2 ट्यूटर। मिड रेंज वो होते हैं जहाँ से आपको वोकल सुनाई देती है, और ट्यूटर वो होते हैं जहाँ से आपको हाई यानी बीट्स आती हैं। तो वहीं मैं बात करूँ साइडों में आपको जो है 10-10 इंची 2 सबवूफर मिल जाते हैं 135 मैग्नेट। और इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर आपको मॉन्स्टर हीट सिंक मिलती है कि यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, देखिए ये हीट सिंक है एक नॉर्मल कॉमन हीट सिंक जो मार्केट में यानी जो सब लोग यूज़ करते हैं, सारी कंपनियां यूज़ करती हैं, बट हम लोग इस टाइप की हीट सिंक यूज़ करते हैं ताकि आप लॉन्ग टाइम तक इसको प्ले कर पाएँ, ड्यूरेशन आपको लंबी मिले और एक आपको एक अच्छा जो है इफेक्ट आ पाए साउंड सिस्टम को लेके। तो वहीं पर इसके जो सब वूफर है उसके अंदर जो है जो बेस है उसकी, उसको ऑटो एडजस्टेबल मोड में डिज़ाइन किया गया है ताकि आप कोई भी सॉन्ग प्ले करें आपको ये ना लगे कि यार ये सॉन्ग में साउंड बेस अच्छा नहीं आ रहा है या उस सॉन्ग में बेस अच्छा आ रहा है। चाहे आप 90s के सॉन्ग प्ले कीजिए, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज का सॉन्ग प्ले कीजिए, बहुत अच्छा आपको जो है बेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर बेस अपने आप ऑटो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। तो वहीं पर ही इसके अंदर मॉसफेट लगे हैं 5200 तोशिबा जापान के मॉसफेट लगे हैं ओरिजिनल, और ट्रांसफार्मर भी बहुत हैवी दिया गया है, रोलिंग बेस के अंदर है, 100% रोलिंग बेस है इसकी, आपको वाइब्रेशन अभी टेस्टिंग करवाते हैं। प्राइस की बात करें मात्र 11000 रुपये इसका आपको मिल जाता है डबल टावर के अंदर, और 11000 जी हाँ, अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपने आज से पहले ऐसा साउंड कभी नहीं सुना होगा। हेडफोन्स लगा लीजिए, जो लोग मिस कर देंगे वो दोबारा हेडफोन लगा के इसका साउंड सुनना, और कोई और वीडियो जरूर जाके देखना, आपको पता लग जाएगा कि फ्लो बीट्स कहाँ डिजर्व करता है। तो चलिए एक बार प्ले कर देते हैं हम लोग। तो ये जो आपने साउंड टेस्ट किया ये हीरा 3 का था, इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी भी आपको सुनानी बनती है कम बेस के अंदर जो है इसका, सॉरी कम को ऐसा हाल करता है, इंसानों का भी कर देता है। अभी आप बाहर इसकी टेस्टिंग देखना क्या हाल होगा, आपको पता लग जाएगा। और स्लो वॉल्यूम के अंदर इसका आपको बेस टेस्ट करवाते हैं एक बार, तो बेस कैसा रहने वाला, चलिए। तो ये आउटपुट रहने वाली है जो मैंने आपको सुनाई, और इसके बाद जो आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है हीरा 3 प्रो, जिसके अंदर 2 आपको 6-6 इंच के मिड रेंज मिल जाते हैं, तो वही 4-4 इंच के 2 ट्यूटर मिल जाते हैं। 6 इंची जहां लोग बेस के लिए जो है सबवूफर डिज़ाइन करके लगाते हैं, वहीं हमने खाली मिड के लिए वोकल के लिए यूज़ किया गया है। और 13mm कैबिनेट की थिकनेस है जो कि किलो के साथ जो है लगाई गई है, क्योंकि मोस्टली कैबिनेट जो है आपको मिलती है पेस्टिंग वाली, क्योंकि बेस इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, बट हमारे इन टावर्स में इतना ज़्यादा बेस है कि हमें जो है ये
कैबिनेट जो है कीलों के साथ नेल के साथ बनवानी पड़ी ताकि जब बेस आए तो कंपन जो वाइब्रेशन डिस्टॉर्शन पैदा ना हो किसी भी किस्म की, और आपको एक सूथिंग साउंड मिले, क्लैरिटी मिले और क्रिस्प साउंड मिले। तो वहीं पर ही आपको मॉसफेट मिल जाते हैं इसके अंदर 5200 तोशिबा जापान के, और यही सेम हीटसिंक मिलती है साथ में आपको ताकि आप लंबे टाइम तक प्ले कर पाएं। 10-10 इंची 4 सबवूफर मिलते हैं 120 मैग्नेट के अंदर, और बात करें इसकी हाइट की, 38 इंच की हाइट है। मैं एकदम दावे से के साथ आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जिसके पास ये सिस्टम पहुँचता है 150 करोड़ की पॉपुलेशन में बिल्कुल हटके खड़ा होता है। इस किस्म से मैंने इसको डिज़ाइन किया। सबसे बढ़िया बात कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग आईसी का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि बेस, ट्रबल और वोकल आपस में मिसमैच नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करता बेस किसी को भी। बीट्स आपको बिल्कुल क्लियर आएंगी, वोकल एकदम क्लियर आएंगे, बेस अपना काम अलग जगह से कर रही है, तो आपको पूरा जो है स्टीरियो का फील होगा और आपको एक अच्छा साउंड इफेक्ट आएगा। एक बार इसको प्ले कर देते हैं, आगे बाकी इसकी और टेस्टिंग आपको दिखाएंगे कि जमीन को भी कैसे हिला देता है ये, और बाहर जो है जितनी दूर आप इस सिस्टम से जाते हैं उतना ये आपको और ज्यादा बेस प्रोड्यूस करके देता है और उतना ज्यादा जो है इसकी क्लैरिटी बढ़ती जाती है। चलिए एक बार इसको प्ले करते हैं हम। तो ये था हीरा 3 प्रो जिसकी गूंज अभी आपने सुनी। मैं एक बार बता दूं, अगर आपके हेडफोन्स खराब हो गए इसके बाद तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, पर टेस्टिंग हमने आपको बहुत मजेदार दे दी। यहीं पर बस नहीं होती है, मैं आपको एक और टेस्टिंग देता हूं कि जब ये चलता है तो जमीन कैसे हिलती है। कोई भी मोबाइल पे वीडियो देख रहा है तो हेडफोन या ईयरफोन जरूर लगा ले। एग्जैक्टली, तो चलिए तभी पता लगेगा। चलिए आपको और टेस्टिंग देते हैं हम इसके बाद। तो आपको ये पूरी जो वॉल है बाहर की ये हिलते हुए दिखाते हैं कि कैसे ये वाइब्रेट करती है। हेडफोन लगा लीजिएगा, पूरी फील आएगी आपको और आप जितना दूर इससे जाते जाएंगे उतनी बेस बढ़ती जाएगी। चलिए एक बार टेस्ट करते हैं। इस बार इसीलिए खिड़कियां नहीं रखी गई, शीशे नहीं रखे गए ताकि जो है साउंड उन्हीं का ही ना सुनता जाए। क्योंकि जो लास्ट टाइम था वहां पे खिड़की शीशे टूट चुके थे, पड़ोसी परेशान थे, वो अलग बिल्कुल एक इशू था। तो ये जो है ये चीजें आपको फ्लो बीट्स में सिर्फ मिलती हैं और सिर्फ ये आपको हमारे द्वारा ही डिजाइन करके प्रोडक्ट दिए जाते हैं ईयर बाय ईयर, जो कि आप तक ऐसी चीज़ें पहुंच पाएं। इसके लिए हमारी बहुत मेहनत होती है, इसके पीछे हमारी टीम की मेहनत होती है और सालों साल का काम होता है तभी एक प्रोडक्ट बनता है। मैं कोई 300-350 प्रोडक्ट नहीं बेचता, हर दिन मैं नया मॉडल नहीं लेके आता, मैं साल में सिर्फ 1-2 मॉडल लेके आता हूं, बट जब वो आते हैं तो दुनिया उसको देखती है, लोग उसको देखते हैं और वेटिंग भी चलती है हमारी। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज़ अपनी बुकिंग्स करवा के आया कीजिए, क्योंकि जब इतनी दूर दूर से आप लोग आते हैं बिना बुकिंग के तो आपको निराश होकर निकलना पड़ता है यहां से, तो हमें अच्छा स्पेशली इसकी तो बुकिंग ही चल रही है देखो। बिल्कुल, तो सिर्फ हीरा 3 अगर आप ये लेने आ रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो सिर्फ हीरा 3 प्रो के बारे में जब आप आ रहे हो तो प्लीज़ पहले बुकिंग करवा लीजिए और बाद में आप आ जाइए उसको लेने के लिए, कोई इशू नहीं, आपको ऑन स्पॉट जो है उस टाइम पे मिल जाएगा जब आपकी बुकिंग हुई होगी। तो आई होप कि आपको सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी आपको नीचे एक बार दिखा देता हूँ कि पैकिंग हमारी कैसे होती है। चलिए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर आ चुके हैं, आपको दिखाएंगे पैकिंग वगैरह कैसे होती है फ्लोबिट में। पूरा गोडाउन आज के पार्सल सारे जा चुके हैं, फिर भी ये पैक पीस पड़े हैं, कुछ एडवांस में हम लोग रखते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना, जैसे स्मॉल हीरा हो गया, FTS 10 हो गया, इस टाइप के आपको सारे यहाँ पर मॉडल मिल जाते हैं। और उसके अलावा ये देखेंगे सारे जो है टेस्ट होने के बाद अभी इनको पैक होना है। पैकिंग की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कितनी हम पैकिंग का कितना ख्याल करते हैं। ये मोटी फॉर्म ऊपर और ये फॉर्म नीचे दोनों साइड ऐसे लगी होती है, एंगल जो है हमारे द्वारा बनाए जाते हैं इस प्रकार के। ये सारे एंगल्स कॉर्नर में लगाने के बाद जो है चारों कॉर्नर को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बबल रैप से इसको रैप करने के बाद प्रोडक्ट को पूरा, फिर उसको एक बॉक्स में डालने के बाद यहाँ पर ये फोम लगाई जाती है। ये फोम लगाने के बाद उसके बाद फिर ऊपर बबल रैप किया जाता है, फिर टेपिंग के बाद यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट ये निकल के आता है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे सामने। ये देखिए ये प्रोडक्ट निकल के आता है सामने, मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं है कि कुछ टूटने फूटने का, कोई भी रिस्क नहीं। उसके अलावा फिर भी आप लोग जो है वीडियो बना के हमेशा अनबॉक्सिंग किया कीजिए ताकि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट पहुंचे, इन केस कोई इशू है भी है तो हम लोग उसे रिजॉल्व कर पाए। आई होप कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी।
तो जैसे कि भैया पूरी गारंटी दे रहे हैं पैकिंग की कि कोई भी डैमेज नहीं होने वाला, तो भैया एक काम करो, एक डब्बा गिरा के दिखा दो। तो यहाँ पर देखिए ये पैक दिया, इसको गिराए थे, देखिए ये पूरा, देखिए ये मतलब इसको जैसे मर्जी, अगर ये देखिए कोई भी चांस नहीं है डैमेज होने का, क्योंकि ये डिजाइन इस प्रकार से इसकी पैकिंग को किया गया है। सिंगल लेयर पैकिंग नहीं है, सिंगल लेयर पैकिंग नहीं, मैंने कितनी लेयर गिनवा दी है, वहां पर एंगल्स लगाए जाते हैं, कॉर्नर में कॉर्नर प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ऊपर इसका जो है बॉटम और अप जो पार्ट इसका पूरा वो प्रोटेक्ट किया जाता है, तो कोई चांस ही नहीं है इनको डैमेज होने का। बहुत बढ़िया, एकदम पैकिंग वगैरह भी अब भैया ने दिखा दी है, तो चलिए चलते हैं ऊपर वापस। तो गाइस जैसा कि हमने आपको दिखाया, सारी क्वालिटी चेक कराई और प्राइसिंग भी बताई, काफ़ी अच्छी अच्छी प्राइस रेंज है, स्टार्ट हो रही है सिर्फ 500 रुपये से और प्राइस रेंज जा रही है 18,500, और पैकिंग कैसे होती है वो सब भी आपको दिखाया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।